ओ भाई 50 रुपए का डीजल गिरा दिया। तो अभी क्या है, ये है मिनी स्विट्जरलैंड कश्मीर। जल गया भाई, गर्म कॉफी भी। यो मेरे जिगर के चलो, कैसे आप सौ आप देख रहे हैं आपका अपना गौरव जो। अच्छा तो मेरी बूथ जैसी हालत हो गई भाई, मैं यहाँ बैठ के 1 घंटे निहारे जा रहा हूँ बस। ये देखो कश्मीर को, जहाँ से बोटे आ रही हैं जा रही हैं, बस यही देखना बहुत अच्छा लगता है, सेटिस्फाइंग लगता है। तो आज अपन जा रहे हैं पहलगाम, थोड़ा शेविंग शेविंग कर लिया, दाढ़ियाँ बढ़ गई हैं मेरी। पहलगाम जा रहे हैं अपन और वहाँ का जो एक्सपीरियंस होगा दिखाऊंगा आपको। पहलगाम बहुत ही अच्छी जगह है गाइज, एक बार देखना जरूर। वहाँ पे बजरंगी भाईजान की शूट हुई है, वहीं से अमरनाथ की यात्रा जाती है। बहुत अच्छी अच्छी चीजें, घोड़े से ऊपर जाएंगे, मिनी स्विट्जरलैंड दिखाऊंगा। और मम्मी भी ले जा रहा हूँ, मम्मी को अपनी मम्मी का एक्सपीरियंस लूंगा वहाँ पे। तो अभी हो रहे हैं 10:30, आधे घंटे में अपन नहा धो के रेडी होके निकलते हैं। मैं नहा धो के बिल्कुल रेडी हो गया हूँ और बोट अपनी बाहर खड़ी है। मेरा फोन बज रहा है अक्षत जोन का, ये देखो अक्षत जोन कश्मीर, अभी कश्मीरी वाला हो गया है। तो ये देखो, ये मेरा रूम है लेकिन पूरा फैला पड़ा है बॉस, 3 जनों का सामान और ऊपर कितनी बढ़िया कलाकारी है। तो यहाँ से निकलते हैं, होम टूर और बोट का टूर मैं आपको आके दूंगा, अभी लेट हो रहा हूँ मैं बहुत। तो आज क्या, हमने ब्रेकफास्ट भी नहीं करा क्योंकि हम बहुत लेट हो गए, 11:30 बजे निकल रहे हैं हम। तो सारे रेडी बैठे हैं। तो आज का मौसम भाई बहुत सुहाना है, और ना धूप से मेरी हालत खराब हो रही थी आज लिटरली। मतलब कश्मीर में अनप्रेडिक्टेबल मौसम रहता है, कभी बारिश आ जाएगी, कभी बिल्कुल ठंडा हो जाए, कभी बिल्कुल 41 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा। उस टाइम तो भाई अंदर रहा भी नहीं आता क्योंकि वुड है और गर्म रहता है, इधर भपका मारता है। तो कल वो मेरे साथ सीन हो गया था, कल वाला व्लॉग नहीं देखा तो जाके चेक करना पूरी सीरीज। तो अभी हम आ गए हैं एकदम तट पे जहाँ हमारी पार्किंग है। आ जाओ भाई निकलो, चलो बाय, टेक केयर, मिलते हैं, आ जाओ। तो अभी चलते हैं, मेरी गाड़ी खड़ी है पार्किंग में और वो रही अपनी गाड़ी। जाओ दूर से ही दिख रहा है भैंस क्या, वो देखो। तो आज ज्यादा भीड़ नहीं है कश्मीर में क्योंकि क्या, ईद का अगला दिन है आज, नेक्स्ट डे है ईद के। रही अपनी गाड़ी और वो रहा भाई मूत्रा। देखो तो ये सारे बच्चे वीडियोज देखते हैं, अगर आपने भी सब्सक्राइब नहीं कराया तो कर लो, ठीक है। तो ये सारे सब्सक्राइबर थे, और हम निकलने से पहले हमेशा गाड़ी चेक करते हैं। तो थोड़ा सा क्या है, मेरा जो कूलेंट है इसमें थोड़ी सी लीकेज है, मतलब 4 दिन में आधा हो जाता है कूलेंट, तो मैं थोड़ा बढ़ता रहता हूँ इसको। बस बस बस, पूरा नहीं बढ़ते, यहाँ तक बढ़ते हैं यार, यहाँ तक, इसने यहाँ तक बढ़ दिया है। पता नहीं, मैं बता रहा हूँ ना तेरे को, पहले मैं मैकेनिक था, बता तेरे को, ठीक है। तो अभी क्या है, पूरा इंजन ऑयल और चेक कर ले, वो चेक कर। आपको बस 2 चीजें चेक करनी, इंजन ऑयल और कूलेंट। क्या है, ये सबसे ज्यादा मेन है गाड़ी में, अगर ये ठीक है तो गाड़ी ठीक चलेगी। और टायर, हाँ अंदर टच कर दिया था पूरा अंदर, आ जा दिखा आप दिखा। तो कूलेंट हमारा यहाँ तक है, ये नीचे वाली यहाँ तक, ये लास्ट है, ये एंड पॉइंट है, ये फुल है हमारा, मतलब ऑलमोस्ट फुल ही है। तो ठीक है, कूलेंट बंद कर दे। और यहाँ एक बारी रेट दिखाऊं तो डीजल के 86 हैं, दिल्ली में 89 थे और हिमाचल में 82 थे। ओ भाई, मेरे 50 रुपए का डीजल गिरा दिया। ऑटो कट नहीं है भाई, नहीं होगी है, 50 रुपए का डीजल का लॉस हो गया भाई मेरे। तो भाई अभी हम साइड में खड़े हैं, ये देखो पूरा साइड में। तो एक्चुअली क्या है, यहाँ रोक देते हैं सारी ट्रैफिक, जब कॉन्वॉय जाता है मतलब आर्मी वालों का, तो सारी ट्रैफिक को साइड करते हैं, पहले आर्मी कॉन्वॉय को निकालते हैं, जो कि अच्छी बात है सबसे। अब निकला है ट्रैफिक, तो ये चीज मेरे को काफी अच्छी लगी, सिक्योरिटी A1 भाई, आर्मी वालों की होनी भी चाहिए। ये देखो देखो कहाँ कहाँ खेतों में खड़े हैं आर्मी वाले भाई, बहुत टाइट सिक्योरिटी साइड। आ गया हूँ साइड में और खाना वाना खा रहा हूँ मैं, क्योंकि सुबह से हम कुछ खा के नहीं निकले थे। बोट वाले इतने अच्छे, उन्होंने पैक करके दे दी कॉफी और ये, मैं वही पीछे खाते जा रही है ताकि टाइम बच जाए हमारा, क्योंकि हम बहुत लेट हो गए हैं। और अभी हम जा रहे हैं पहलगाम, बारिश का मौसम हो रहा है बहुत तगड़ा। अभी क्या है, रास्ता पीछे से मुड़ रहा था लेकिन आर्मी वालों ने मना कर दिया कि भाई अभी सिक्योरिटी थोड़ी टाइट करो, और सिक्योरिटी इस वाली रोड से आगे से जाओ आप, वो गांव में सिक्योरिटी नहीं है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो अभी अमरनाथ की यात्रा चल रही है ना, तो थोड़ा दिक्कत चल रहा है भाई, क्योंकि बहुत हाई सिक्योरिटी है, बादल फट रहे हैं, आधे रास्ते बंद है, तो बहुत घूम घूम के जाना पड़ता है। और पहलगाम भी शायद बंद ना हो क्योंकि अमरनाथ की यात्रा भी वहीं से आसपास से चल रही है। लेफ्ट दिखा रहा है मम्मी, आपको वो दिख रहा है मस्जिद ऊपर ऊपर, देखो ऊपर, ये आपने गाना सुना है बड़दो जोली मेरी, अच्छा अच्छा, यही शूटिंग हुई है। हाँ दिखाऊंगा सलमान खान कहाँ से कहाँ जाते हैं, और तो सारी शूटिंग हुई है। हाँ तो इसी इलाके में शूटिंग हुई है पहलगाम में, और ये बजरंगी भाईजान की। तो तुम मुझे मुन्नी वाली गाड़ी में बैठाया? हाँ मुन्नी वाली गाड़ी में ही बैठेंगे आज, तो आते टाइम चलेंगे ऊपर, ठीक है। ए चपरी भिख मांगे नल्ले चप्पल चोर, और ये छपरा नल्ली बेरोजगार
नल्ला बंदा, ये लड़की बड़ी बड़ी कोटी बंगली वो सामने, ये बोलते हैं लड़कियों के सामने बाइक को गाड़ी, जिससे लड़कियां समझे कि ये बहुत रईस लड़का है। कोटी बंगले वाला लड़का। लेकिन उन्होंने पता है कोटी बंगले में पोछा लगाता है। तू करेगा लड़की बाजी, तू करेगा लड़की बाजी, तू करेगा लड़की बाजी। अभी रुक, अभी बताता हूँ, देखो रुक जा। सीन ऐसा है यहाँ पे, क्या है, अमरनाथ की यात्रा के लिए पूरा बेस कैंप लगा हुआ है भाई, अल्ट्रा टाइट सिक्योरिटी, बस वालों को उतार उतार के यहाँ स्कैन होगा सामान, और एक एक बंदा स्कैन होगा, तब आगे जान देंगे पहलगाम के लिए राइट और अमरनाथ की यात्रा के लिए सीधा। आर्मी वाले और जितने भी पुलिस वाले अफसर हैं, ये हमसे जो भी बात कर रहे हैं, मैं इनको कोई फेस नहीं दिखाऊँ, कोई रिकॉर्डिंग नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको बाद में बताऊं कि क्या बात हुई। तो इन्होंने मेरे को रुकवाया, ना कि लगेज है, मैंने कहा लगेज नहीं, कह रहा ठीक है आप गाड़ी लेके आगे जाओ, ये स्कैन करा के आते हैं और फिर आप आगे पहलगाम जा सकते हो, क्योंकि एक एक गाड़ी चेक होके जा रही है, जो कि बहुत ही, देखो भाई कितनी सारी गाड़ियां हैं यात्रा के लिए, सारी टैक्सी हैं और सारी यहीं पे रुकवा ले रहे हैं, और फिर अपनी दूसरी टैक्सी करके जाओ आगे। तो देखो वो हो रहा है हेलीकॉप्टर जो अमरनाथ की यात्रा कराते हैं, तो अपन तो जाएंगे पहलगाम, तो यहाँ से करेंगे घोड़े अपन और उस पहाड़ पे जाएंगे ऊपर, घोड़ा जाएगा, हाँ घोड़ा से जाएगा, चलो साइड से। तो अभी हम जा रहे हैं ऊपर, और यहाँ पे बहुत तगड़ा मतलब सिस्टम खराब है, स्कैम 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 सिस्टम खराब है। ऐसे बोर्ड पे लिखे हैं स्विट्जरलैंड तक ले आने के 3,000 रुपए, ठीक है, वो कहेंगे बोर्ड देख लो, फिर आप कहोगे चलो 2,000 में तू ले चल 2,000, एक्चुअल कॉस्ट है 400-500, हद से हद 700 रुपए पर घोड़ा, और ये बोलेंगे 4 पॉइंट के हिसाब से, भाई आपको 4 पॉइंट घूमने तो इतने, 6 पॉइंट घूमने इतने, एंड देखो एक पहाड़ के टॉप पे ले आते हैं स्विट्जरलैंड, रास्ते में रोक रोक के कहते हैं ये है ये है, अब बोलो भाई मेरे को खाली स्विट्जरलैंड जाना है, सारे पॉइंट बीच में ही पड़ते हैं, क्योंकि वो ट्रैक बना हुआ है और उसी ट्रैक से इन्हें जाना हो तो सारे पॉइंट वैसे भी कवर हो जाएंगे। साहब बोलो भाई स्विट्जरलैंड जाना है, 500 रुपये लेगा, 600 रुपये लेगा, 700 रुपये एक घोड़े का, ऊपर आना जाना दोनों, स्कैम होने से बचोगे बचोगे। अरे नंबर भैया, अरे मिल गया घोड़ा, अगर मिल गया वो कोई बात नहीं, देखिएगा ना कौन घोड़ा वाला है। हाँ तो तुम क्या जबरदस्ती करोगे, कोई किसी और से नहीं जा सकते, जरूरी है तुमसे ही जाएंगे हम, जरूरी जा रहे हैं, काम में ज्यादा हमारे साथ जाना है। तुम भाई मैं जहाँ जहाँ जा रहा हूँ तुम मेरे पीछे पड़े हो, पीछे पड़ना है, ये नंबर पॉकेट में जाएगा ना, अगर मेरे पीछे अगर कब तक पड़े रहोगे, आगे जाएगा, आगे कोई घोड़ा वाला लेगा, हमारा नंबर कट गया था, तुम नंबर के पीछे रहो भाई, हम पे पहली बार ना आया, कोई नंबर ना होता यहाँ घोड़ा करो, जाओ बात करेगा ना, बात सुनो, कोई भी घोड़ा बात करेगा ना, घोड़ा हमारा जाए। ये देखो पीछे पीछे तक आ रहा है मेरा बंदा, वहां तक खड़ा है देखो, तो ये जो हरा वाला बंदा ये पीछे ही पड़ गया, जिद कर रहा है मेरे घोड़े से ही जाओ, ना मैं किसी को जाने ही नहीं दूंगा, खुद ले रहा 2500 रुपए और मेरे को मिल गया चलो 600 में मिल गया, क्योंकि कोई जाने को तैयार नहीं, अभी सीजन है, तो मैंने 600 में डन कर लिया, और ये बंदा जिद कर रहा है मेरे पीछे आया जा रहा है, मैंने पुलिस से कंप्लेंट। हाँ जी क्या हाल है सर, मैंने मम्मी और अक्षत को नीचे छोड़ा था, मैंने तुम नीचे देखो मैं ऊपर जाता हूँ, तो ये पीछे लग गया मेरे, तो ये मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं, और जाने रुको अक्षत को फोन, वो ये सिस्टम है, मैंने आर्मी वालों से कंप्लेंट कर दिया, आर्मी वाले पीछे क्लास ले रहे हैं उसकी, तो अब ये अपन चलते हैं घोड़े से ऊपर और आपको दिखाऊंगा कैसे जाना है क्या है, और मजे लेते हैं अपन, ऐसे बंदों से सावधान रहना जो आपके पीछे पीछे चलते हैं, इनसे बच के भाई, आन लोगों से बातें मत करना, जो मिलने आते हैं वो सब इन्हीं के साथ ही होते हैं, जो समझाते ज्ञान बांटते हैं कि 800 का घोड़ा है कि 600 का, किसी से बात नहीं, मैं कैसे चलाऊं, अपने आप चलते हैं एक ही स्पीड से। और ये होटल देखो कितना बढ़िया है भाई, थोड़े से जाएंगे अपन पहलगाम, आपको पॉइंट दिखाता रहूंगा ताकि आपको भी नॉलेज हो जाए, अगले बार खुद ही गाइड बन जाओगे, फंसोगे जी, मजा नहीं आया, ये कच्चे रास्ते से आएगा, देखियो घोड़ा स्लिप भी मारेगा एक आध बारी, हाँ देखियो सबसे खतरनाक यही है, बैलेंस बना के, जब मम्मी घोड़ा ऊपर चढ़े तो आगे को झुकना है, हाँ और जब पीछे नीचे जाए तो पीछे को, ये देखो फंस गया, ओ तेरी पच पच, देखो स्लिप मारेगा घोड़ा, कीचड़ ज्यादा हो गई है, आगे झुक जाना, मम्मी की हालत खराब, कैसा लग रहा मम्मी, कैसा लग रहा मम्मी, तो मैं क्या घोड़े को समझाऊं, घोड़े आराम से चल, इलाज हो जाएगा मेरा वरना मैक्स में, बड़ी अच्छी लगी, इसको पूरा पता है कि लेफ्ट लेना कब राइट लेना, खुद अपने हिसाब से चल, ट्रैक बना हुआ है यहाँ पे, करा था शिकार ये जो जगह है, एक तीर से दो शिकार कर रहे थे, मतलब टाइगर हिरन को मार रहा था, तो जो कश्मीर का राजा था उन्होंने तीर मारा और जो टाइगर और हिरन दोनों मर गए एक ही तीर से, तो इस जगह का नाम क्या रखा फिर, डबल शिकार। ये देखो सारे घोड़े जा रहे हैं, ये भाई अमेरिका से आए, कहाँ से हो भाई, अमेरिका से,
वृंदावन क्या हैदराबाद अच्छा हैदराबाद इतने गोरे लोग रहते हैं मेरे को लगा भाई ऑस्ट्रेलिया से गिरा गिरा अरे अंकल गिरे गिरा आगे झुको आगे आगे और मेरा घोड़ा कहाँ जा रहा है अकेला चल 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 ओ फिसला फिसला भाई बहुत खतरनाक रास्ता है मम्मी मम्मी डर रही है मम्मी की सास एक बारी रास्ता रास्ता देखो गाइस एक बारी कैसा है आप ओ भाई वाटर क्रॉसिंग से गुजर रहे हैं घोड़े हमारे आजा मम्मी तो बहुत डरी हुई मम्मी क्या हुआ ये वाटरफॉल है अच्छा पानी पी रहा आपका घोड़ा ओए रुक रुक पीछे चल फाइनली हम पहुंच गए हैं मिनी स्विट्जरलैंड और ये यहाँ पे बारिश आई थी तो पूरा कीचड़ ही कीचड़ है ये देखो वो रहा मिनी स्विट्जरलैंड आजा भाई तेरे को स्विट्जरलैंड घुमाओ 600 रुपए में मात्र वैसे ये तो है मम्मी यहाँ लोग स्विट्जरलैंड जाते हैं कि फलाना जाते हैं ढिमकाने आते हैं यहाँ आप था अपनी गाड़ी में डीजल पड़वाओ और लद्दाख कश्मीर मनाली ये घूम के आओ पूरा 20 दिन में आपको जन्नत आ जाएगी भाई कसम से और मात्र 70-80 हजार रुपए की पूरी ट्रिप बनेगी और चार लोग मैं बैम्बर घूम लेंगे पूरा तसल्ली से आराम से ये बूढ़ी अम्मा उतर गई है अपनी मम्मी को उतार दिया सन्नी देओल शूटिंग कर रहा एकदम कूद कूद के नाच के एकदम वीडियो बना रहे हैं और यहाँ जिपलाइन भी हो रही है अच्छी जगह है बहुत तगड़ी ये देखो यहाँ पे जिपलाइन भी होती है बट मैं यहाँ जिपलाइन करूंगा नहीं वो वहां तक जा रही है कैसन बा बढ़िया कहाँ से हो महाराष्ट्र अच्छा महाराष्ट्र से हो घूमो फिर तो अभी क्या है ये है मिनी स्विट्जरलैंड मिनी स्विट्जरलैंड क्या है एक पहाड़ के ऊपर देखो हर पहाड़ के ऊपर एक प्लेन चोटी होती है हम सोचते हैं ना कोनिकल होगा पहाड़ पहाड़ का जो टॉप होता है कोनिकल नहीं होता फ्लैट होता है जिसपे बंदा फुटबॉल खेल ले तो ऐसे ये एक पहाड़ का फ्लैट एरिया है पहाड़ की चोटी है ये देखो ओ तेरी जिपलाइन दीदी कर रही है जिपलाइन हमारी ये जरा सो देखो इस बंदी का पूरा वीडियो में ध्यान है ध्यान से देखोगे एंजॉय नहीं कर रही सिर्फ वीडियो बना रही है सिर्फ वीडियो तो यही चीज मैं टूरिस्टों से बोलना चाहूंगा भाई अपना तुम खुद का एंजॉय करो मैं तो व्लॉग है मैं तो पैसे कमा रहा हूँ ये बना के लेकिन बहुत से आप क्या है आप सेल्फी लोगे वीडियो बनाओगे उससे पैसे थोड़ी है अपना एंजॉय करो इस चीज को आंखों में बसाओ पीस करो अपना माइंड फ्रेश करो वीडियो में इतना ध्यान मत लगाओ सही बात है तो मम्मी पूरी तैयार हो गई है क्या कर रही हो मतलब जल्दी जल्दी करो सारा सब कुछ मजा भी लो आनंद लो फिर चेप्पा कश्मीरी मैम कश्मीरी में मना दिया तुमने तो भाई मम्मी करवा रही है फोटो शूट वही एकदम गुलशन बहारो गुलशन बहारो ये देखो ये बंदा भी वीडियो में लगा पड़ा है सीनरी नहीं देख रहा बंदा देख रहे हो बट आईफोन का कैमरा देखो यार मेरा कितना तगड़ा जूम मार रखा है और कितना क्लियर है अभी गोलगप्पे खा रहे हैं तो आप कैसे खाओगे मम्मी खट्टा तू कैसा खाएगा मीठा मीठा ही खाएगा भाई तो ये गोलगप्पे बहुत महंगे हैं 50 रुपए 8 है 3 है 50 का एक है क्या आप बात कर रहा है भाई कैसा लगा अक्षत गोलगप्पा तो भाई ऐसी जगह गोलगप्पे मिल रहे हैं यही बहुत बढ़िया बात है और अच्छा बना रहा लड़का ये है अपना और टेम्परेचर भी ज्यादा ठंडा नहीं है ना ज्यादा गर्मी है काफी मजा आ रहा है मिनी स्विट्जरलैंड हाँ पहलगाम जरूर आना कश्मीर हाँ भाई कश्मीर आओ तो यहाँ जरूर आना पहलगाम है नी पहलगाम गुलमर्ग और सोनमर्ग कश्मीर आओ ये चार जगह घूमना अपना 3 दिन में पूरा कंप्लीट हो जाएगा अच्छे खासे पैसे में तो गाइज हमें इतनी भूख लग रही थी बट यहाँ पे पता नहीं आज ईद के चक्कर में सब बंद ही है ये देखो ये लाइन से सारा बंद पड़ा है बाप ब्रेकफास्ट करके निकले थे घर से काफी रील वील बना लिया आ जाओ यार रील का सिस्टम बड़ा बुरा है यार मेरा मोबाइल खो गया है सीन ऐसा है और हम फटाफट भागना पड़ा मेरे को ओ, 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 ये देखो कहाँ जा रहा खाई में बिल्कुल भाई गंदी ढलान हालत खराब हो रही हो मेरा गाइस मोबाइल में बहुत डाटा है और मैं अभी कर रहा हूँ व्लॉग अक्षत के मोबाइल से अब देखता हूँ कहाँ मिलेगा मेरा मोबाइल शायद गाड़ी में ना रह गया क्योंकि मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था तो अभी हम जा रहे हैं नीचे 7 बज रहे हैं नहीं 6:15 हो रहे हैं अब देखो कब तक नीचे पहुंच जाएंगे तो
तो अभी चलते हैं अपनी थार में, निकालते हैं इसको। ये बस ये थोड़ा से छूट गया है इसकी चेपी। तो गाइस सीन ऐसा है, हमें अब ये वापस जाने नहीं दे रहे क्योंकि ये ही यात्रा वाला सिस्टम। सीन ऐसा, अब जब ये यात्रा होती है तो सिक्योरिटी इतनी बढ़ जाती है कि 2 बजे के बाद पहलगाम से एग्जिट नहीं ले सकते आप, आपको यही रूम लेके रुकना पड़ेगा। तब ये कह रहे हैं भाई वापस श्रीनगर नहीं आने देंगे आपको, चाहे कुछ भी हो। और हम देखो ऐसे वीराने में फंस चुके हैं, अब हमें वापस पहलगाम जाना पड़ेगा उस साइड। वो बहुत गलत सीन हो गया, हमारी बुकिंग श्रीनगर में। अरे चार्जर भी नहीं है ना, कपड़े हैं हम पे। तो अभी हम रहने का जुगाड़ ढूंढ रहे हैं यहाँ पे, और ये बहुत ही बड़ा भाई आर्मी का कैंप। तो अभी हमें जाने एक गांव जुनैद का दोस्त जहाँ रहता है, तो अभी तो कुछ खाने के लिए ढूंढ रहे हैं, हमने सुबह से कुछ खाया भी नहीं। अच्छा भी था बुरा भी था इनके लिए, इन देखो सेफ्टी के पर्पज से देखा जाए तो ठीक है, बट यार जो अंदर से फीलिंग आ रही है ना कि यार आज का दिन खराब हो गया। हम पहलगाम ही है ठीक है, और यहीं रुकेंगे अभी, उसके दोस्त के चलेंगे, पहले कुछ खा लेते अपन। तो हम दोनों तीनों को लग रही है भूख, सुबह से कुछ नहीं खाया, ब्रेकफास्ट करके निकले अपन। ये है देखो बहुत छोटा सा मार्केट है, सब्सक्राइबर है ये देखो। कह रहे एक मिनट रुको। तो ये भाई हेल्प करवा रहे हैं, ये लोकल ही है श्रीनगर के। क्या कह रहे हैं पिताजी? कह रहे हैं कि एक भाई दादू से पूछ लो। सही बात है, वो शायद हेल्प करते हैं। यहाँ पे इतनी भीड़ रहती है देखो सारी यात्रा की, भाई लाइन लगा के नंबर आया बहुत। वो तो खैर सब्सक्राइबर थे तो हमको गुस्से ही टेबल मिल गई। तो अभी हमने गरम गरम चोकोलावा केक मंगाया है, चोकोलावा केक और खा लेते हैं। तो भाई ये है वो ढाबा जहाँ से मैंने अभी खाना खाया। तो गाइस अभी मेरी आँख खुली बीच में, तो हमें जैसे तैसे एक रहने की जगह मिल गई। मैं ज्यादा बता नहीं, सबको ज्यादा नींद आ रही, सारे जग जाएंगे, ये सब सो रहे हैं। ये देखो ये भी सो रहा है। तो मैं कल सुबह उठ के बताऊंगा कि हमें रूम कहाँ मिला, कैसे मिला और किसके यहाँ सो रहे हैं हम, ठीक है। तो अभी तो मैं जाता हूँ सोने। और प्लीज आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाल कलर बटन सब्सक्राइब करने आ रही है, बेल का ऑप्शन जरूर दबा दूँ, उसके ऑप पर नोटिफिकेशन आ जाएगी जब भी मैं न्यू वीडियो डालूँ। भाई बहुत ज्यादा थक गया, हालत देखो यार, यात्रा के चक्कर में मेरी तो बैंड बज गई।